अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद खलील जमा आप तमाम का सीएनआई न्यूज में खैर मकदम करता हूं। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। ट्रैफिक डीसीपी बाबर रॉय की जेरे क़यादत में आज ड्रंकन ड्राइव प्रोग्राम के तहत गुड्डी मलकापुर और दीगर इलाकों में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम की गई, जिसमें 45 से ज़्यादा गाड़ियों को अपनी कब्जे में लिया गया। आइए नज़र डालते हैं एक तफसीली रिपोर्ट पर। आज हैदराबाद सिटी में हमारा साउथ डिस्ट्रिक्ट डीसीपी ट्रैफिक 2 बाबूराव साहब का इंस्ट्रक्शंस में पूरा साउथ डिस्ट्रिक्ट में ड्रंकन ड्राइव चल रहा। ये ड्रंकन ड्राइव 7 PM टू 9 PM करा हम लोग। ड्रंकन ड्राइव में बहुत गाड़ियां चेकअप करे गुड़ी मलकापुर में। हमारा को ये जो ड्रंक पी के गाड़ी चला रहे वो हम लोग 16 व्हीकल्स को पकड़े। वो आदमी जो आदमी 16 व्हीकल्स का आदमी पी के गाड़ी चला रहे, इसमें हमारा को एक कार ड्राइवर और एक ऑटो ड्राइवर, बाकी का 14 टू व्हीलर्स मिला। इन लोग के ऊपर केसेस बुक करे हम लोग। उन लोग का गाड़ियाँ डिटेंड करके हम लोग कल सुबह उन लोग को काउंसलिंग को भेजा देते। इसके बाद नामपल्ली कोर्ट में चार्जशीट फाइल करते इन लोग के ऊपर। हमारा रिक्वेस्ट है ये हैदराबाद सिटी में एक्सीडेंट फ्री ट्रैफिक रहना, इसीलिए हम लोग ये एनफोर्समेंट में ड्रंकन ड्राइव चेकअप कर रहे। हमारा रिक्वेस्ट है पब्लिक को गाड़ी पी के गाड़ी नहीं चलाना। ठीक है, वैसे ही देख सकते, दो मिनट यहाँ दे सकते हैं, लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। ट्रैफिक देख रहे, ट्रैफिक जो गाड़ियाँ चलाते गाड़ियाँ में जाते, वो रोड के ऊपर कोई भी आए तो हम लोग देखते वाइन शॉप के सामने।